हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लच को सही तरीके से रिलीज़ कैसे करना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्लच को सही तरीके से प्रेस कैसे करना है। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि फुट प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए वगैरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, क्योंकि अगर वो सही नहीं रहा तो आप क्लच रिलीज़ भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे हाई ओवरव्यू कि इंजन और ट्रांसमिशन मतलब क्लच और अपने जो व्हील्स है उसका कनेक्शन क्या है, वो एक देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि गाड़ी बंद करके क्लच को रिलीज़ कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि क्या करने के बाद कैसे होता है, प्रैक्टिकली गाड़ी मूव कैसे होती है, प्रैक्टिकली गाड़ी बंद कैसे नहीं पड़ती है, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाड़ी में मेन पार्ट जो रहता है वो रहता है इंजन। जो इंजन जो रहता है अपना और जो अपने व्हील्स रहते हैं उसके बीच में जो बैठा रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो गाड़ी का इंजन का जो फ्लो है वो व्हील्स तक पहुंचाने का जो काम है वो ये ट्रांसमिशन सिस्टम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब क्या, वेदर वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा नहीं तो मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा। बेसिकली गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर्स की गाड़ी भी देती है और मैनुअल ट्रांसमिशन गियर्स की गाड़ी भी देती है। तो फिलहाल हम क्लच रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन की अभी यहाँ पर बात हो रही है। तो गाड़ी का मैकेनिज़म ऐसे रहता है कि जब भी गियर्स चेंज करने का रिक्वायरमेंट रहता है तभी हमको जो इंजन का जो फ्लो है वो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है टू द व्हील्स रेगुलरली। इन जनरल केस क्या होता है, इंजन का जो फ्लो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू व्हील्स को जाता है और वो इंजन का जो पावर मिलता है व्हील्स को उससे व्हील्स रोटेट होते हैं और अपनी गाड़ी चलती है आगे। तो जब भी हमको गियर चेंज करना रहता है तब ये जब भी करंट चालू रहेगा तब ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन है कि इंजन बंद करो, लेकिन तो वो तो हम कर नहीं सकते, गाड़ी तो रनिंग है, रनिंग कंडीशन में हम इंजन ऑन ऑफ कैसे करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये मैकेनिज्म दिया हुआ है जो करता है क्लच पॉसिबल करता है। तो जब भी क्लच पूरा का पूरा हम प्रेस करते हैं तभी इंजन का जो फ्लो है, पावर का जो फ्लो है वो कम्प्लीटली डिस एंगेज होता है, डिसकंटिन्यू होता है और इसी वजह से हम गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फ्लो और बेसिक मैकेनिज्म। अभी हम देखते हैं कि क्लच को रिलीज़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल नाउ। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपने सीट एडजस्टमेंट सही है कि नहीं वो देखो, प्रेस करना तो अभी आपको पता है, अगर नहीं देखा रहेगा वीडियो तो वापस एक बार बता रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखो। तो अपना फुट प्लेसमेंट कैसे रहेगा, ये जो उंगलियाँ हैं वो क्लच पे रहेगी, अपने को सिर्फ बाएँ पैर का इस्तेमाल करना है क्लच के लिए और जो अपना दाहिना पैर है, राइट पैर है अपना, राइट लेग है, वो ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पर रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्लच है वो पूरा का पूरा दबाना है अपने को जब भी हम क्लच एंगेज करेंगे, गियर एंगेज करेंगे तभी। अभी रिलीज़ करते वक्त क्या करना है, मेरी एड़ी पूरी नीचे है, मैंने वो उठाई नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब भी मुझे क्लच रिलीज़ करना है तभी मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे ये रिलीज़ करूँगा ऐसे। अभी गाड़ी बंद है, ठीक है, मैं अब आपको मैं अभी गाड़ी बंद करके दिखा रहा हूँ। तो जब ये अभी जो पोजीशन है इतना मैंने रिलीज़ किया, तो ये रिलीज़ का जो पोजीशन है मतलब इसको बोलते हैं हाफ रिलीज़, हाफ हाफ क्लच बोलते हैं इसको। तो ये पोजीशन में ही गाड़ी शिवर करना चालू करेगी, इसको कहते हैं बाइटिंग पॉइंट। आपने काफ़ी वीडियोस में मे भी सुना रहेगा ये बाइटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या रहता है कि इंजन का जो फोर्स रहता है वो अप्लाई होता है गाड़ी मूव करने के लिए और आपका जो आरपीएम रहता है रोटेशन पर मिनट ये यहाँ पे रहता है स्पीडोमीटर के बाजू में। तो ये मेरा सपोज स्पीडोमीटर है और ये आरपीएम रहता है,
आरपीएम जो रहता है वो रोटेशन पर मिनट जो रहता है, तो वो व्हील्स का नहीं रहता है, वो रहता है पिस्टन का, इंजन का जो पिस्टन रहता है। ऑयल के एडवर्टाइजमेंट्स में आपने देखा रहेगा पिस्टन, तो वो जो रहता है पिस्टन उसका रोटेशन पर मिनट रहता है वो। और ये वन मतलब 1000, टू मतलब 2000 ऐसे रहता है ये, ठीक है। तो 1 RPM के नज़दीक गाड़ी जाती है, मतलब 500 अराउंड RPM रहता है गाड़ी का जब भी हाफ क्लच करते हैं तभी। अभी गाड़ी का RPM बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि इंजन से फ्लो पावर का व्हील्स को जा रहा है और इंजन को अपना जो फ्यूल है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्यूल इंजेक्शन। और उसी बेसिस पे गाड़ी आगे मूव करना चालू करती है। अगर अगर मैं ये क्लच पूरा पूरा छोड़ देता हूँ लाइक दिस, तो गाड़ी मोमेंटम करना चालू करेगी, गाड़ी मोशन में आएगी। उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग रहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन में जब भी मैं एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ और सिर्फ क्लच छोड़ दिया मैंने और गाड़ी अगर मूव कर रही है आगे, तो इंजन का जो पावर है वो मिनिमम यूटिलाइजेशन में रहता है, इंजन का पावर ज़्यादा अप्लाइड नहीं रहता है। ऑल दो गाड़ी फर्स्ट गियर में है लेकिन एक्सीलरेटर नहीं है, इसके लिए फ्यूल इंजेक्शन के बेसिस पे गाड़ी आगे जा रही है। अगर गाड़ी में लोड रहेगा तो आपको थोड़ा सा फ्यूल डालना पड़ेगा। फ्यूल कैसे डालेंगे, ये गैस पेडल, नहीं तो ये रेस पेडल, नहीं तो ये एक्सीलरेटर पेडल इसको बोलते हैं, ये जब भी हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तभी थोड़ा सा क्या होगा, RPM बढ़ेगा। RPM बढ़ेगा मतलब क्या, फ्यूल जाएगा इंजन को, इंजन को फ्यूल जाएगा, RPM बढ़ेगा और फिर स्पीड बढ़ेगा और फिर पावर भी बढ़ेगी। और इसी तरीके से ज़्यादा पावर अप्लाई करके गाड़ी आगे जा सकती है। तो अभी हमने जो देखा क्लच रिलीज करने के लिए क्या करना है, एक तो दो तरीके हैं। अगर आपके गाड़ी में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको प्रैक्टिस मैं ये बोलूँगा ऐसे करनी है कि आपका जो राइट पैर है वो आप ब्रेक पे रखो स्टार्टिंग में, गाड़ी चालू करो ब्रेक पे आपका ये जो पैर है राइट साइड का वो रखो, और लेफ्ट का जो पैर है आपका जो क्लच पे है वो पूरा पूरा क्लच दबा के रखो, धीरे धीरे छोड़ो छोड़ो रुको छोड़ो रुको छोड़ो रुको, ऐसा कभी कभी तक करना है जब तक आपको ये वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है तब तक ब्रेक प्रेस करके रखो। जब भी गाड़ी चालू रहेगी ब्रेक पेडल भी एक्सेसिबल रहेगा, ब्रेक पेडल लॉक नहीं रहेगा, अगर गाड़ी बंद रहेगी तो ब्रेक पेडल लॉक्ड पोजीशन में रहेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि थोड़ा सा छोड़ा होल्ड किया, थोड़ा सा छोड़ा होल्ड किया, आपको महसूस हुआ ये गाड़ी है ना आगे जाने का ट्राई कर रही है, और उसी पॉइंट पे क्लच का जो पोजीशन है उधर ही रखना है हमको, और ये ब्रेक धीरे धीरे रिलीज करना है, तभी गाड़ी आगे मूव करना चालू करेगी। आपको क्लच कभी पूरा छोड़ना है, जब भी मोमेंटम में गाड़ी आती है तभी वही स्पीड से आपको क्लच रिलीज करना है। अभी क्लच रिलीज करने का स्पीड कैसे आइडेंटिफाई करने का, तो क्लच रिलीज करने का जो स्पीड है वो आपको मोशन ही बताएगा, गाड़ी का जितना मोशन रहेगा जितना स्पीड गाड़ी का रहेगा, एकदम धीरे धीरे गाड़ी चल रही है फर्स्ट गियर है एकदम ही धीरे 10 अराउंड स्पीड है गाड़ी का, तो आप उसी स्पीड से क्लच रिलीज करोगे, ठीक है। अगर गाड़ी आप फर्स्ट टाइम उठा रहे हो मतलब फर्स्ट गियर डाला और 0 से 10 तक आपको जाना है, तो वो स्पीड आपका स्पीड अभी तक पकड़ा नहीं है गाड़ी ने, राइट। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है एकदम धीरे धीरे। एक बार आपका फर्स्ट गियर पड़ गया तो उसके बाद सेकेंड गियर डालने के लिए थर्ड गियर डालने के लिए आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो, ऐसा क्लच प्रेस किया गियर शिफ्ट किया और इजीली पैर निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, मतलब मैं आपको कैमरा ऊपर लगा के दिखाऊंगा और फुट मूवमेंट भी दिखाऊंगा, तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखना, गाड़ी का मूवमेंट और क्लच का जो मेरे फुट पोजीशन है वो आप साइमल्टेनियसली देख पाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ डाउट रहेगा तो, और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।